हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट वाई इंजीनियर में। और यहाँ पर देखिए, जो CITS का फर्स्ट फेज काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग को पार्टिसिपेट किया था और फीस वगैरह अपना पे किया था, उनको कौन सा कॉलेज अलाट हुआ है वो चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को कॉलेज अलाट नहीं हुआ उनको निराश नहीं होना है, वो सेकेंड काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेंगे। मैं भी उम्मीद करूँगा कि उनको कॉलेज अलाट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ फर्स्ट काउंसलिंग सीट अलाटमेंट चेक इन कैंडिडेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक तरह से नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए, फिर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट वाले पे क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी, मोबाइल नंबर भरना है और फिर यहाँ पे जो ये नंबर दिया हुआ है इसको भर के यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो आपको कौन सा कॉलेज अलाट हुआ है वो दिख जाएगा। और उसके बाद आपको वहाँ से अपना जो अलाटमेंट लेटर है वो ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लेना है और उसको भी लेके प्रोविजनल एडमिशन में जाना है। प्रोविजनल एडमिशन कहाँ कराएंगे आप, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। किसी भी नियरेस्ट NSTI में जाके आप प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कुछ आपका इंटरफेस खुले इस तरीके से, और आपको यहाँ पर लिखा रहेगा कि कौन सा कॉलेज अलाट हुआ है कौन सी चॉइस के लिए। जैसे कि ये स्टूडेंट हैं, इनको अलाट हुआ है NSTI लुधियाना, वेल्डर के लिए चॉइस 2 था इनका, ठीक है। और यहाँ से आपको अपना जो अलाटमेंट लेटर है ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इस अलाटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवा के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को साथ लेके आपको जाना है प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कहाँ होगा प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैं पहले ही बता चुका हूँ। किसी भी नियरेस्ट NSTI में, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे बॉयज़ का हो, आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। CIT से जुड़ी कोई भी सही अपडेट आपको चाहिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।